मेरे नाम अब्दुल बाकी है। मैंने 1983 से यह बर्गर का दुकान लगाया नाजोबाद एक नंबर अलहसन चौक असलम बेकरी सामने। मैंने जब शुरू किया उस टाइम 3 रुपये था बर्गर, उस टाइम एक आइटम था दाल का कबाब, वो 3 रुपये में था। फिर 2000 साल तक बन कबाब आएगा 7 रुपये में दाल कबाब, फिर सालमी कबाब शुरू कर दिया 10 रुपये में, फिर चिकन लेके आया बाद में बीफ लेके आया, बीफ चल रहा है अभी 230 रुपये में अंडे के साथ, चिकन आया अंडे के साथ 150 रुपये में। उस टाइम उसी दौर तो अलग है, वो जो 32,000 में शुरू किया, पूरा कंप्लीट काम शुरू किया 32,000 में। अभी क्या दौर है, हमें जैसे दुकान है ऐसे कम से कम 10 लाख से ऊपर खर्चा आएगा अभी क्या दुकान पे। ठेला आएगा तो 1 लाख रुपये में आएगा ठेला, तो आप बनाएंगे फिर एक गैस सिलेंडर जरूरत होगा और आपका 2-3 कुर्सी तो होगा लाजमी, टापा का जरूरत है, प्लेट वगैरह जरूरत है, चटनी डब्बा वो कैसा का बोतल ये तो जरूरत होगा, अलग अलग चीज़ कम से कम 1.5 लाख रुपये में अंदाजा से काम शुरू कर सकते। सब ग्राहक तो आ गए हमारे को बर्गर खा के चेक करेगा, फिर देखेगा क्वालिटी कैसे है, देखे तो ग्राहक बहुत बताएगा। हमारा आइटम बहुत है, दाल का कबाब होता है, शामी कबाब होता है और चिकन कबाब होता है और बीफ बर्गर होता है, अंडर बीफ तौर से फका के फिशनल मशीन में डाल के फिर बना के ले आता है, बन छेक के चटनी लगाता है, प्याज लगाता है और शामी कबाब लगाता है, फिर ऊपर से केचप लगा के पार्सल करना प्लेट करना होगा। पूरा नाजमाबाद में देखो आप, हमारे जितना आइटम है किसी के पास नहीं है।